बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी है ये चिकन समोसा रोल। तो इस फटाफट से बन जाने वाली स्नैक रेसिपी को बनाते हैं हम। तो इसे बनाने के लिए हमें लेना है 3 कप मैदा। इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। नमक डाल देते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तेल डालेंगे 3 बड़े चम्मच और 3 कप मैदे में जाएगा 1 कप पानी। इस आटे को हमें धीरे धीरे पानी डालकर गूंदना है, एक साथ पानी नहीं डाल देना है। और ये आटा थोड़ा टाइट ही गूंदा जाएगा, रोटी की तरह नरम नहीं रहेगा, थोड़ा टाइट रहेगा। इसे गूंद कर हम इस पर डालेंगे 1 चम्मच तेल। सारी जगह फैला देते हैं ताकि ये सूखे नहीं, और इसे हम रेस्ट करने रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। आधा किलो चिकन का कीमा लेंगे, इसमें डालेंगे 1/2 कप बारीक कटी हुई प्याज, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स डालते हैं 1 चम्मच, साबुत जीरा डालेंगे 1 चम्मच, गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं 1.5 चम्मच और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट यहाँ पर है चावल का आटा, इसे डालना है 3 बड़ा चम्मच। अब चॉप किए हुए धनिया के पत्ते डाल देते हैं। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसके अब हम रोल्स बना लेंगे। थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं इस मिक्सचर का और इसे हम रोल का शेप दे देंगे। ये इस तरह से 2 से 3 इंच का हम रोल बना लेंगे। आटा जो हमने रेस्ट करने रखा था इसे निकाल लेंगे। एक छोटा सा पोर्शन लेके इसे अब हम बेल लेते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे बेलते हैं। अब पहले एक घोल बना लेते हैं। 1 चम्मच मैदे में डाल लेंगे 2 चम्मच पानी और इसे बनाकर हम साइड में रख लेते हैं। इस आटे को हमें इस तरह से एक स्क्वायर शेप दे देना है। साइड से ये एक्स्ट्रा वाले निकाल लेंगे और ये जो हमने चिकन का रोल बनाया है इसी साइज में हम आटे को इस तरह से लंबा लंबा काट लेंगे। ये चिकन का रोल अंदर डाल लेते हैं और इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। ये जो पेस्ट हमने बनाए हैं इसे सील कर देते हैं। तो ये अच्छी तरह से सील हो गया है, बाकी सारे रोल्स भी हम बना लेंगे। अब तेल को हम गरम कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर और एक एक करके ये सारे रोल्स हम डाल देंगे। इस रोल्स को बनाने के लिए हमें तेल ज्यादा लेना है, इतना लेना है कि ये रोल्स सारे अच्छी तरह से डिप हो जाए तेल में। आप देख सकते हैं ये जो रोल है ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ रहा है क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा यूज किया है। 10 से 12 मिनट लगेंगे इस रोल को पक जाने में, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। और अब इस रोल को निकाल लेते हैं किचन टॉवल पर। इसे हम सर्व कर लेंगे चटनी या सॉस के साथ। तो जरूर ट्राई कीजिए ये फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।